अपराधियों का बोलबाला, कानून व्यवस्था की हवा निकाला, बेखौफ अपराधियों का तांडव मचा दिया आतंक, हथियार के दम पर अपराध चरम पर। अपराधियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, अपराधी जमकर तांडव मचा रहे हैं। अपराधियों ने बेगूसराय में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक से 12 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के NH-28 के पास की है। इस घटना के बाद बैंक में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में अपराधी बैंक में पहुंचे थे। बैंक मैनेजर को हथियार के बल पर पहले बंधक बना लिया और फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं बैंक मैनेजर ने बताया कि तकरीबन 12 बजे बैंक के अंदर हथियार से लैस अपराधी घुसे और फिर हथियार लहराने लगे। 12 बजे के आसपास वो लोग आए, हम अपने केबिन में काम कर रहे थे, 5 आदमी से आए हैं और उसके बाद 2 लोग पहले हमारे पास गन पॉइंट पर और 3 लोग इधर आकर के बैंक में जितना भी कैश था, मेरा भी कुछ कैश, मेरी अंगूठी, ये सब लेकर चले गए। कितना का लगभग? 12.5 लाख रुपये का। कस्टमर का भी 1 लाख रुपया कस्टमर एक बता रहे थे, 1 लाख कस्टमर का भी लेके चला गया। देखिए कैसे अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हो रहे हैं और फिर लूट की घटना को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे हैं। आप PNA बैंक में आज 11:48 में 2 मोटरसाइकिल से 5 व्यक्ति आया और 12,51,000 की लूट की। कितने की संख्या में अपराधी थे? 5 अपराधी थे, 2 मोटरसाइकिल। हम अनुसंधान कर रहे हैं, देखते हैं। फिलहाल इस घटना के बाद तेघड़ा थाने की पुलिस और तेघड़ा DSP ओम प्रकाश घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। जिवेश वरुण, बेगूसराय।